नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार, आपके अपने एजुकेशनल चैनल विभू की क्लासेस में। तो बेटा, आज के क्लास में आपके लिए कंप्यूटर के टॉप क्वेश्चन होने वाले हैं, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में छपने वाले हैं। क्या आपके आने वाले एग्जाम में छपने वाले हैं? क्योंकि सभी प्रश्न बेटा आपके कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन ध्यान से देखना, किसी भी क्वेश्चन को मिस मत करना, क्योंकि बेटा आपके आने वाले एग्जाम में बेटा कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप सारे के सारे क्वेश्चन ध्यान से देखना, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो। आप मुझसे कमेंट कीजिए आपको क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, HTML भाषा के प्रोग्राम को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। बेटा, HTML भाषा के प्रोग्राम को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। भाई, किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? भैया हमारा होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर का। किसका? इंटरनेट एक्सप्लोरर का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, एमएस वर्ड कि विंडो को दो या दो से अधिक भागों में बांटने की विधि को कहते हैं। एमएस वर्ड विंडो की दो या दो से अधिक भागों में बांटने की विधि को क्या कहते हैं? भैया आप उसका राइट आंसर बताना। बेटा आप अपना कमेंट कीजिए कि आपका स्कोर क्या रहा है। बेटा आप हर क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए, अपने करिए कंफर्म कीजिए, बट आप मुझे कमेंट कीजिए कि बेटा आपका स्कोर क्या रहा है, आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। ठीक है, मैं समझ सकूं मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा विद्यार्थी कितने क्वेश्चन राइट कर रहा है। ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना, एमएस वर्ड की विंडो को दो या दो से अधिक भागों में बांटने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया उसे? हम क्या कहते हैं उसे बेटा? हम कहते हैं स्प्लिट विंडो। क्या कहते हैं? स्प्लिट विंडो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, HUB एक डिवाइस है, HUB एक डिवाइस है। तो बेटा आपको बताना है कौन सी डिवाइस हमारी है, HUB हमारी कौन सी डिवाइस है, आपको उसका राइट आंसर बताना है। भैया हमारी होती है जागरूक। क्या होता है इसका? होता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डम्ब। सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन इसका पूछ रहा है, HUB एक डिवाइस है, तो भैया हमारी कौन सी डिवाइस है? ये हमारी डम्ब है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डम्ब इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, डॉक्यूमेंट्स में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? बेटा बैट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, बट बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो आपके एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा, डॉक्यूमेंट्स में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? भैया आपको उसका राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? हर क्वेश्चन में आपको टाइम देता हूं बेटा, आप इसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज ग्रेटर देन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, सूचनाओं की पंक्ति या स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने की कहा जाता है। सूचनाओं को पंक्ति एवं स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने को कहा जाता है। भैया क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? भैया इसका राइट आंसर हमारा होगा, इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टेबल। क्या कहते हैं? टेबल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए प्रयोग करते हैं। बेटा टेक्स्ट को टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बेटा किसका प्रयोग करते हैं, किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? भैया आपको पता होगा, आपको पता होगा इसका राइट आंसर। भैया किसका करते हैं बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है, मुझसे पूछ सकते हो बेटा। अगर आपको आंसर पता है तो आप मुझे आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है बेटा, टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भैया आपका इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी बटन दबाई जाती है? स्लाइड शो में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी बटन दबाया जाता है? भैया आपको उसका राइट आंसर बताना है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर जो हमारा होगा, और इसका जो हमारा राइट आंसर होगा भैया, हमारा ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर, पेज अप कुंजी। क्या होता है? पेज अप कुंजी। पेज अप कुंजी के द्वारा स्लाइड शो में व्यू में पिछली स्लाइड में जाने के लिए बटन दबाया जाता है। कौन सा?
पेचअप कुंजी, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, इनमें से किस स्लाइड बार का प्रयोग विंडो के नीचे और छिपी हुई सामग्री को देखने में किया जाता है बेटा? इनमें से किस स्लाइड बार का प्रयोग विंडो के नीचे की ओर छिपी हुई सामग्री को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आपको राइट आंसर बताना बेटा। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर ऊर्ध्वाधर। क्या होता है? ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, नॉर्मलाइजेशन भैया क्या है हमारा, नॉर्मलाइजेशन क्या है? इसका आपको राइट आंसर आपको बताना है बेटा। इसका आपको राइट आंसर आपको बताना है। हर विद्यार्थी, हर छात्र, हर स्टूडेंट, अपने हर भाई हर बहन से कहता हूँ भैया, अपनी क्लास से जुड़े रहिए, अपने परिवार के साथ जुड़े रहिए, अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपके इस चैनल के साथ, इस परिवार के साथ जुड़े रहने में आपका फायदा है, आपका प्रॉफिट है, आपका इसमें लॉस कुछ नहीं है, आपका इसमें घाटा कुछ नहीं भैया, आपको फायदा मिलता है। क्योंकि मैं आपके लिए हर एग्जाम की तैयारी कराता हूँ आपके लिए। किसी भी एग्जाम में आप जाते हो तो कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं आपको टॉप क्वेश्चन की सीरीज लाता हूँ। मैं तो ला सकता हूँ कि भाई मैं तो हर क्लास की तरह इसमें भी आपके लिए बेसिक क्वेश्चन डाल दूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दूँ, क्योंकि मुझे अपनी वीडियो बनानी है, मुझे अपना अपना ऑडियंस रिटेंशन देखना है। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए भैया, मुझे आपकी सफलता चाहिए, मुझे आपकी सक्सेस चाहिए, इसीलिए मैं आपको टॉप क्वेश्चन लाता हूँ, टॉप सीरीज के निकले हुए क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ अपने परिवार के साथ, अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप अपने क्लास के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है बेटा, सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें बेटा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना बेटा। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया हमारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रिलेशन डेटाबेस को डिजाइन करते समय आंकड़ों में जटिल समूह स्लाइड स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, किस व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइड को क्रम में लगा सकते हो? भैया किस व्यू में आप लगा सकते हो, इसका आपको राइट आंसर बताना है भैया। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर, स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्या होता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू के द्वारा किसी भी प्रस्तुतिकरण को स्लाइड को क्रम में लगा सकते हैं। किसके द्वारा? स्लाइड सॉर्टर व्यू। ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। पावर पॉइंट का क्वेश्चन है आपका, पीपीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है, स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? भैया आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसमें ऑप्शन ए दिया है एक्स कुंजी, ऑप्शन बी दिया रेड कुंजी, ऑप्शन सी दिया कंट्रोल प्लस ब्रेक, ऑप्शन डी दिया सभी। भैया आप कोई भी इनमें से कुंजी दबाकर आप भी किसी भी स्लाइड शो को बंद कर सकते हो, किसी भी स्लाइड शो को समाप्त कर सकते हो। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। भैया आप देखो, आपके एग्जाम में कहीं पर से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ सारे सारे क्वेश्चन देखिए। इसी में आपका क्वेश्चन आ गया है, आपसे पूछता है, आपके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, एक बार नहीं हजारों बार रिपीट हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा फंडा, इसमें ऐसा थोड़ा लॉजिक इसमें रखा गया है कि बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। अब आप इसमें कंफ्यूज हो गए होगे भैया कि इसमें एक्स कुंजी है भैया हमारी, रेड कुंजी है कि कंट्रोल प्लस ब्रेक है। तो भैया इसका राइट आंसर जो हमारा होगा, ये सभी, इन सभी के द्वारा हम अपनी स्लाइड शो को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाते हैं? आपको इसका राइट आंसर बताना बेटा। आपको इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा डिलीट। क्या होता है? डिलीट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या? डिलीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्रामों की ड्राइव के भौतिक त्रुटियों की जांच करने या उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए विंडो में एक प्रोग्राम उपलब्ध है जिसे कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं उस प्रोग्राम को? हम क्या कहते हैं जो भौतिकी त्रुटियों को जांच करने एवं उन्हें ठीक ढंग से
विंडो में प्रोग्राम उपलब्ध कराता है उसे क्या कहते हैं भैया? इसका राइट आंसर आपको बताना है। बेसिक सा क्वेश्चन है पर बेटा कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, बेसिक सा क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार लीजिए, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि बेटा सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में छपने वाले हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले हैं, ठीक है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा स्कैन डिस्क। क्या होता है स्कैन डिस्क? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, ड्रम प्रिंटर प्रकार के प्रिंटर कर उदाहरण है। ड्रम प्रिंटर प्रकार के प्रिंटर कर एक उदाहरण है बेटा। इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपको राइट आंसर बताना है बेटा। हर क्वेश्चन में आपको मैं टाइम देता हूं, हर क्वेश्चन में आप कमेंट किया करो कि आपका इसका राइट आंसर क्या है, और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए, ठीक है? मैं समझ सकूं मेरे विद्यार्थी, मेरे छात्र, मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई, मेरे बहन कितना भाई पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? इसका राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लाइन। क्या होता है? लाइन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप डेटा पूछ रहा है, OSI मॉडल की लेयर होती है। OSI मॉडल की लेयर होती है भैया, कितनी लेयर होती है उसमें? आपको उसका राइट आंसर बताना है। उसमें हमारी कितनी लेयर होती है उसमें भाई? सात लेयर होती है। कितनी होती है? सात लेयर होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो गया आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में बेटा कोई भी दिक्कत आई तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपको किस क्वेश्चन में दिक्कत आई है। कंप्यूटर से रिलेटेड आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कोई भी दिक्कत आती है मुझसे आप पूछ सकते हो। अगर मैंने आपको क्वेश्चन बताया है या नहीं बताया है, आपको कहीं पर से भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही, कंप्यूटर से रिलेटेड आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? जब तक मैं हूं आपका परिवार, आपकी क्लास है, ठीक है? तो आज के लिए दीजिए इजाजत, और जाते जाते मैं एक बार फिर से कहता हूं आपसे, अपने परिवार के साथ, अपने चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपके लिए रास्ते, सफलता के रास्ते हमारे चैनल से होकर जाते हैं, हमारे चैनल से होकर आपके सफलता के रास्ते जाते हैं, ठीक है? तो क्लास के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो क्लास को शेयर कर दीजिए, और आज के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।